तो गाइस हाय हेलो नमस्ते, नया दिन स्टार्ट हो चुका है और हम फुल रेडी भी हो चुके हैं। और आज हमारे यहाँ है इलेक्शंस, तो हमें जाना है इलेक्शन के लिए, वोटिंग देने के लिए। और मैं फर्स्ट टाइम वोट देने वाली हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। हालांकि मुझे बहुत सर्दी और थोड़ा सा फीवरिश लग रहा है, बट फिर भी हम जाएंगे वोटिंग करने के लिए, क्योंकि आई एम सो मेरे को ऐसा अजीब सा ही हो रहा है, पता नहीं, मैंने कभी वोट नहीं दिया आज तक, तो आज जाते हैं। चलो लेट्स गो। मम्मी फाइनली वोटिंग करके आ चुके। मम्मी दिखाओ आपका निशानी वोटिंग का। ये देखो मम्मी ने पूरा नेता की तरह दिखाया है। कैसे लगा आपको वोटिंग करके? मम्मी ने तो किया, मम्मी ने तो किया है पहले। मेरा नया, मम्मी मुझे कुछ टिप देना चाहते हो आप? नहीं नया है तो भी क्या, हार्ड वर्क नहीं है बटन दबाने का। वो जो तू कह रहे ताली पड़ा दे रहा था वो भी कर सकते है। उसमें क्या है, जिसको आप चाहते हैं, जिसको देने का है उसको। पापा का भी वोटिंग हो चुका है और मम्मी का भी हो चुका है, बस मैं ही बची। अभी मैं जा रही हूँ, बस 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 हो गया। चल आज मम्मी बहुत बिजी है। आई एम बिजी, बाय। देखो वोटिंग हो चुका है, बहुत गर्मी है, घर पे जाके आपसे मिलते हैं और गेस्ट भी आ रहे हैं, तो फटाफट जाना भी है घर पे। चलो तो गाइस फाइनली वेलकम बैक। अभी सीधा वोटिंग के बाद अभी शूट हो रहा है, क्योंकि हमारे घर पे आ चुके थे मेहमान, तो फिर उनके साथ टाइम पास होते 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 तभी कुछ शूट करने का मौका नहीं मिला, तो डायरेक्ट अभी दीदी ने मेरे को पढ़ने बिठा दिया है। बोले अभी तू पढ़ाई कर, फिर इधर को खाना मिलेगा, वरना खाना नहीं मिलेगा। तो अभी हम पढ़ते, फिर आपको पढ़ने के बाद मिलता हूँ। चक्कर में आज हमारे घर पे गेस्ट भी थे और सुबह वोटिंग भी थी ना, तो उस चक्कर में मेरे इतने दिवाली के काम पेंडिंग रह गए ना कि क्या ही बताऊँ। आज ऐसा दिन पूरा इतना बिजी चला गया ना, मेरा एक दिन वेस्ट हो गया दिवाली की तैयारी में। बट हमें बहुत मजा आया, बहुत गप्पे मारे नॉन स्टॉप, 3-4 घंटे हमने गप्पे मारे ना हर 3-4 घंटे। चलो पढ़ाई कर, तो फिर आपसे मिलता हूँ। और भाई तू किचन में क्या कर रहा है? लाइट बंद है कर ना, इतनी लाइट क्या लगा के रखा है? क्या करूं, बंद करूं? हाँ क्यों, एक और जलाऊंगा ले। बंद कर, दिवाली है पता है, दिवाला मत निकालना। क्या बोल रही थी तू किचन में क्या कर रहा है? अभी अभी खाना खाया ना? नहीं वो मेहमान आया ना, तो मेहमान ने खाऊ भी लाया है, तो खाऊ ढूंढ रहा हूँ। बोली रुक निकाल के दे रही। नहीं मम्मी ने मना कर दिया, मम्मी ने बोला अभी खाना खाया, अभी कुछ नहीं मिलेगा। अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपने मुझे ये चिल्ला के भेज दिया वापस, और ये हर्ष के लिए चिल्ला के भेज दिया, भगा दिया तेरे को। हाँ ये एक्चुअली परिवर्तन हर्ष ने परफेक्ट बोला है। किसके लिए? वीडियो के लिए। अभी वीडियो बंद होगा ना तो हर्ष को भी मम्मी भेज देगी। क्या वीडियो चालू था, चल निकल अभी, हो गया, कुछ भी मिलेगा? नहीं कुछ नहीं, एक्चुअली जिसके ऊपर प्यार रहता है उसके लिए बार-बार मम्मी निकाल के देती है, बच्चे के लिए नहीं निकलता। प्रेम दोघान वर आहे क्लास संपल्याबरोबर तिला दिलेला खाऊ काय खाऊ भरपूर तू झोपलेला होता ते कस्टर्ड ऍपल आणि वगैरे खाऊन मोकळे चिप्स भी खाए। अभी मेरी हिस्से में तो खाने आएगी, तेरे को कुछ नहीं दूंगा अभी निकल। वैसे आज सुबह से शूट नहीं कर पाए क्योंकि मेहमान थे, और हम चारों लोग, मतलब मेरे भाई चार नहीं पांच छह लोग, हम लोग सारे कजिन, हम लोग बोलने में इतने एक्सपर्ट है ना कि कैसे टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। शूट इतने, भी नहीं करेंगे। हाँ इतने हम लोग कंटिन्यू में 12 बजे जाएगा ना तो मिलेंगे वापस। हाँ तब आपको मिलवाऊंगी। तो गाइस भाई दूज में शायद से एक सरप्राइज मिल सकता है आपको, शायद से, अब तो कुछ कंफर्म नहीं है। क्या सर तेरा कुछ सरप्राइज? देखो मम्मी ने इशारा किया उधर से, तो उसमें सरप्राइज क्या है? सरप्राइज है, बड़ा ही सरप्राइज है। हाँ मम्मी, मम्मी तो फुलाना समा पाए कंडीशन में अभी से। हाँ, पर शायद से अभी फिक्स नहीं, कंफर्म डेट हमें भी पता नहीं चल रहा है, हम लोग वेटिंग में चल रहे ना, इसलिए कंफर्म पता चलेगा तो आपको उसी दिन व्लॉग में देखने मिलेगा। नो प्रायर इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड। इंस्टा पे फॉलो कर लेना, इंस्टा पे आ सकते हैं। हाँ, और वैसे सुबह हम लोग वोटिंग देके 12-12:30 बजे आए, तब से 6 बजे तक, 5:30-6 बजे तक हमने नॉन स्टॉप बातें की, फिर मेरा क्लास था, फिर इसकी पढ़ाई ली, और अभी फाइनली डे एंड हो रहा है। और कल से
मम्मी बनाने वाली है चकली। कल चकली बनेगा? कल से चकली नहीं बनेगा, पहले चकली का पीठ बनाना पड़ता है। भाजनी आयते वाला सोता लगा शेफ समझते का तू टेबल में लगे ला फ्रूट से लग क्या बोल रहा शेफ समझते है तू काला मम्मी अरे साथ में अभी तो दोन चाहते एप्पल कपला संत्री कपला ते पण आम्ही कट करून दिला आणि त्याच्यामध्ये क्रीम टाकली आणि काहीतरी मिक्स केला सगळं टाकून तर शेफ समजतो सगळं नेक्स्ट दिवशी काय ते शाही तुकडा घेत काय म्हणते का त्याच्यामध्ये काय केलं म्हणते ब्रेडला दूध टाकून त्याच्यावर साखर टाकून ते तर दूध ब्रेड लागत होतं त्याला त्याच्यावर चांगली वाटायला काजू बदाम नवरतून टेस्ट मम्मी आपको पसंद आया था की नाही अभी मम्मी तेरा मन रखने के लिए बोल दी बिचारी माँ तो आ होती है काय तेरा मन रखने के लिए बोल दी आप क्यों हंस रहे हो आप हंसो में हंस रहे हो साजुक तू था तो थोड़ा चेंज है मुझे माँ तो माँ है क्या है नींद सो जाओ माँ तो माँ है माँ बिचारी अपनी बेटी का दिल रखने के लिए बोल रही है एक सेकंड अभी दिवाली में अनारसे बनाऊंगी वो तुझे एक भी नहीं मिलेगा क्या पता है वो अनारसे बना मत बोल नहीं सके खपसे बनो कसते है वाली खुशी तो मैं बनाऊंगी तो इसको एक भी नहीं चखाऊंगी जले हुए खाने का शौक भी नहीं मारूंगी अबे लात तुझे मम्मी मैं अच्छा नहीं बनाती मस्त बनाती है मम्मी तो बोलेगी ना अपना काम कम करवाने के लिए नहीं मम्मी सच बोलो आज खुद इधर देख दिवाली में तुम्हारा दोनों का कुकिंग चैलेंज करवाते मम्मी वर्सेस दीदी और मैं टेस्टिंग शेफ उसमें तो ऑफकोर्स मम्मी जीतेगी तू मेरे साथ करेगी हार जाएगी समझी क्या चुप रे तो उसमें ऐसा नहीं है उसमें कुछ तो मम्मी के लिए भी टफ होना चाहिए नहीं मम्मी तेरे से 20-25 मिनट लेट स्टार्ट करेगी क्योंकि एक्सपीरियंस है मम्मी दो तू चाहे 3 की जगह 4 सीटी लगा देगी हंसो मत आप चुपके चुपके मम्मी बाहर जाके हंस रही अभी मेरे पास मस्त प्लान है इन लोगों का कुक ऑफ करवाते हैं अपन और टेस्टिंग के लिए पप्पा और मैं बैठते मतलब कैसे एक मम्मी के साइड से एक पप्पा के साइड एक तेरे साइड से पप्पा मेरे साइड से कोई है ही नहीं तेरे साइड से पप्पा और मैं तो मम्मी के साइड से ही बोलूंगा मेरे को खाना खाना है बाद में भी घर में तेरे साइड से बोलूंगा तो 2 दिन खिलाएगी तीसरे दिन मैगी बना कर देगी उसमें क्या देगी 2 दिन में इटालियन पास्ता है ना पिज्जा उससे तो भी पेट भरता है पेट तो अपने दाल चावल से भरेगा ना पास्ता तो तेरे को बनाने तो फिर आता मेरे को मुझे इतना अच्छा खाना आता है ना कि कोई बनाने पे खाता ही नहीं कि खुद भी बनाती नहीं उसको भी पता है आप ही क्या चिकन पकोड़े बनाओ जो थोड़े बनो लाने मना तो मम्मी तू तो बनो एक सेकंड पूरा मैरिनेट मैंने करके दिया था आधे फ्राई मैंने किए बस लास्ट में फ्राई मैंने किए मैं डाल के गई कढ़ाई में मम्मी को बोला बस निकालो एक सेकंड मम्मी को बोला बस निकालो उसमें मम्मी ने बनाया बना तो मैंने खा क्या पता वीडियो लिया तुमने नहीं बिजी फिर तो मम्मी सच बोलो किसने बना वीडियो की नहीं घेतले पण मी बिजी होते ना अरे आम्ही वोटिंग वरून आले मग टाइमच नाही भेटला नाही इला बडबडायचा शौक मम्मी बडबडायला मी तिकडे बसले ना बोलत तर इथं पण मन येऊन गेला लगेच आली अर्धे टाकून चुप चलो गाइस मैं जा रही हूं सोने इन दोनों की बग तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो टिल देन टाटा बाय बाय गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स और अभी फटाफट सब्सक्राइब कर लो दिवाली का मस्त मस्त कंटेंट आता रहेगा शॉर्ट्स भी आएंगे शायद से क्या पता आएंगे कुछ तो आएगा और इंस्टा पे भी मेरे को फॉलो कर लेना इसको करना है तो करवाना चलो गाइस चलो टाटा